नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। में हूँ आकाश। जी हाँ, नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की खास पेशकश में आज बात होगी कुछ ऐसे मुद्दे की। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में, व्यापार में, कारोबार में हमको परेशानी का सामना हमेशा करना रहता है और हमें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, और हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी कर जाते हैं लेकिन हमें समझ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे या फिर उसी के अनुसार हम चलेंगे तो हमें व्यापार में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारा व्यापार काफ़ी तेज़ी से चलने लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, हमारी तिजोरी भी हमेशा नोटों से भरी हुई नजर आएगी। व्यापार हमारा दिन दुगनी रात चौगनी की तरह अपनी रफ्तार पकड़ लेगा और हमें डील पर डील होती हुई नजर आएगी। तो आज हम आपको बताते हैं आखिर कौन से वो उपाय हैं या कौन से वो काम हैं जिनको ध्यान में रखने के बाद हमारा व्यापार काफी तेजी से चल सकता है। तो दर्शकों, चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन से हैं वो काम। आपके प्रतिष्ठान यानी कि आपकी जो कंपनी या व्यापार का जो कार्य क्षेत्र है उसका दरवाजा अंदर की ओर ही खुलना चाहिए। बाहर की ओर दरवाजे का खुलना लाभ को कम करता है और तब आय के साथ व्यय भी बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में दरवाजे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के साथ आपको खोलना चाहिए। वहीं कारोबार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में दो सफ़ेद घोड़ों की आप तस्वीर लगवा सकते हैं। इससे आपको व्यापार में, कारोबार में एक बड़ा लोन मिल सकता है, उसमें लाभ भी आपको हो सकता है। वहीं आपको बता दें, जब भी कोई नई दुकान या व्यापार शुरू करें तब सबसे पहले एक चांदी की कटोरी में धनिया रखकर उसमें चांदी के ही लक्ष्मी जी और भगवान गणेश को स्थापित कर सकते हैं। जी हाँ, ये भी एक आसान उपाय करके आप अपने व्यापार में तरक्की पा सकते हैं। वहीं आपको बता दें, रोजाना दुकान अथवा ऑफिस में कार्य शुरू करने से पहले 5 अगरबत्तियां जलाने से व्यापार में लाभ होने लगता है और काफी तेजी से व्यापार चलने लगता है। भगवान जी भी आपके जीवन में, आपके घर में, आपके व्यापार में दस्तक देने लगते हैं। वहीं यदि दुकान या व्यवसाय में ग्राहक नहीं आ रही है तो सबसे पहले मिट्टी के 4 बर्तन लें। एक बर्तन में जौ, दूसरे में काले तिल, साथ ही तीसरे में साबुत हरे मूंग और चौथे में पीली सरसों भरकर रख दें। ये 4 बर्तन साल भर के लिए दुकान में कहीं भी रख सकते हैं। बाद में उसको बहते हुए पानी में विसर्जन करने से आपके जीवन में, आपके व्यापार में काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने लगेगी। साथ ही आपके व्यापार में, आपकी दुकान में बहुत तेज़ी से ग्राहक भी आने लगेंगे और आपको लाभ होने लगेगा। तो ये कुछ आसान उपाय करके आप माला माल बन सकते हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।